नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि 67,867 एक साथ मिलेगी नियुक्ति पत्र और हर घर में मिलेगा एक सरकारी नौकरी। यूपी में होगी सरकारी नौकरी गारंटी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 17,000 नई शिक्षक भर्ती और 31,661 में 15 दिन बाद भी चयन सूची जारी नहीं, काउंसलिंग और नियुक्ति कार्यक्रम भी नहीं हो सका जारी। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। दोस्त चलते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों आप सबको बता चलें कि 67,867 पर एक साथ नियुक्ति होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 15 दिन होने के बावजूद भी 31,661 पदों के लिए कोई भी नोटिस जारी हो चुका है, किंतु अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसा कार्यक्रम भी जारी हुआ है कि जिसमें 31,661 को नौकरी दे दी जाए और यूपी में होगी नौकरी की गारंटी और हर घर में मिलेगी एक को नौकरी। दोनों दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरी जरूर हो, इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार गारंटी वाले इस प्रस्ताव का अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने जा रही है। इस आदेश के मुख्य रोजगार आयुक्त होंगे, उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा और रोजगार एवं प्रशिक्षित उद्यमी विकास, कौशल सुधार, मनरेगा, अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार कार्यक्रम आयोग के अधीन होंगे। कि रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के समन्वय में काम करेगा और यह अधिकार होगा कि रोजगार का एवं कौशल प्रशिक्षण के संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग या निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सके। इससे सरकारी सेवा को लेकर गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल होंगे और निजी क्षेत्र में देश के और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उपलब्ध हो सकेंगे और प्रस्तावित आयोग में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नज़र रखेगा और साथ ही यह तय किया जाएगा कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता हो, औद्योगिक जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के बाद नौकरी व स्वरोजगार के इच्छुक युवा में बैनर्स के समन्वय स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाएगा। और आप सबको बता चलें कि जो खाली पद हैं, किसमें देखिए खाली पद जो हैं, जो सितंबर तक का ब्यौरा है, 119,608 जिसमें पदोन्नति में 31,477 और आयोग में लंबित जो भर्ती हैं वो 26,161 है। वो मुख्य प्रमुख जो विभाग में रिक्तियाँ हैं, राजस्व में 20,524, परिवहन के क्षेत्र में 16,652 और पंचायत राज में 10,514 और लोक निर्माण में 5,514 और कारागार एवं सुधार में 5,141 ये भर्तियाँ हैं। और वहीं बात चलें कि जिले में 15 दिन बाद भी नहीं हो चुका जिला आवंटन, निर्देश मिल चुके हैं उसके बावजूद भी 15 दिन के बाद भी जिला आवंटन नहीं हो चुका कि बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री और शासन के आदेश में अमल नहीं हो पा रहा है कि सीएम ने 31,661 पदों के पर नियुक्ति का एक सप्ताह पहले आदेश दिया था, उनकी जिला आवंटन सूची 15 दिन में अफसर तैयार नहीं कर सके, जबकि शासन भी न्याय विभाग के परामर्श करके आदर्श निर्मित कर चुका है, लेकिन जिला आवंटन सूची कब जारी होगी और काउंसलिंग की तारीख अभी तक भी घोषित नहीं की जा सकी है। बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में 29,000 सहायक अध्यापकों की जगह 31,661 पदों पर चयन होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के कट ऑफ अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन फैसला सुरक्षित है। इससे पहले शीर्ष ने कोर्ट ने 21 मई को 37,300 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 35,357 शिक्षा मित्र में आवेदन किया था जिसमें पहले ही वो 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो चुके थे, बाकी चयन से दूर हैं। ज्ञात हो कि भर्ती की लिखित परीक्षा
6 जनवरी 2019 को हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19 सितंबर को आदेश दिया गया था 31,661 पदों पर एक सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाए। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रेणु कुमार ने 24 सितंबर को इन पदों के लिए आदेश जारी किया था। इसके बावजूद भी शिक्षा परिषद में 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन सूची नई तरह से नहीं हो चुकी है। और 30 सितंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के अलग अफसरों की बैठक करके भर्ती को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके बाद भी अब हालत जो कि तो है कि नई जिला आवंटन सूची में 67,867 अभ्यर्थियों की सूची बनाई जानी है, लेकिन कैसे बनेगी इसका फार्मूला खोजा जा रहा है। कि अभ्यर्थी आए दिन पूछ रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं। परिषद में अफसरों इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं परिषद सचिव पीएम बघेल मोबाइल फ़ोन तक भी नहीं उठाते। दोस्तों, ये थी न्यूज जो हम आपके सामने लेकर आए। प्लीज़ जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। तो धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।